प्रदेश में जहां एक और पुलिस अड़ीबाजी करने वालों और हफ्ता वसूली करने वालों पर नकेल कसती जा रही है, तो वहीं फर्जी मीडिया कर्मी बनकर ब्लैकमेल करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां गौरव मेडिकल शॉप संचालक को ब्लैकमेल करने पहुंचे दो फर्जी मीडिया कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी इमरान खान और आदित्य शर्मा क्राइम दर्पण नामक संस्थान का रिपोर्टर बताकर मेडिकल संचालक सुरेश को 50,000 के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। संचालक को शक होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों द्वारा मेघदूत गार्डन के आसपास बेचने वाले कपल्स को भी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है। गार्डन में लड़का लड़कियों को परिवार में बताकर और बदनाम कर डरा धमका कर वसूली करने का मामला भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी मामलों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए फर्जी मीडिया कर्मियों ने अन्य और भी मेडिकल संचालकों को डरा धमका कर और ब्लैकमेल कर कई लोगों से पैसे ऐंठे हैं, जिनका खुलासा खुद फर्जी मीडिया कर्मियों ने अपने मुंह जुबानी कहा है। ये एक गौरव मेडिकल स्टोर है, जहां के संचालक उनके द्वारा बताया गया कि वो उसके वहां आकर दो लोग मीडिया कर्मी बता रहे थे खुद को और वीडियो वगैरह बना रहे थे। उनके हाथ में आईडी थी और उसके साथ में उन्होंने धमकाया कि अगर तुम 50,000 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारी मेडिकल स्टोर बंद करवा देंगे। अभी तक हम कई दुकानें बंद करा चुके हैं, इस टाइप से धमकी दे रहे थे। और तब इनके द्वारा बोला कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे पैसे। तो ऐसा करके वो आज का तय हुआ था इनका बीच में कि पैसे लेंगे। तो आज उसने 5,000 रुपये दिए थे और जो दूसरे अपने साथी थे उससे पुलिस को खबर करवा दी कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तब उनके सहयोग से ही पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट किया गया। सर कौन लोग हैं, क्या नाम है, किस नाम से है? इसमें दो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं। इसमें एक का नाम इमरान खान है जो खिजराबाद कॉलोनी खजराना का रहने वाला है, दूसरा आदित्य शर्मा है। इन दोनों के खिलाफ हुआ है, इनके पास से कुछ कार्ड वगैरह मिले जिसकी वैधानिकता की जांच की जा रही है। वैसे फरियादी को इनने स्वयं को अधिमान्य पत्रकार बताया था, पर ऐसा कोई दस्तावेज इनके पास मिला नहीं है, ना ऐसा कोई कार्ड मिला। 5,000 रुपये जब्त किए गए और भी ऐसे, हाँ 5,000 रुपये इनने उससे ले लिए थे धमका के और 43,000 रुपये बाद में देने का। सर और भी कोई इन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया, कोई जानकारी? अभी पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ में अभी तक प्रारंभिक जानकारी मिली उसमें कई मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स के नाम आए हैं, जो बंगाली डॉक्टर होते हैं उनको चमका के इनने पैसे लिए हैं, ये जानकारी मिली। और साथ ही इनकी मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये लग रहा है कि कोई लड़कियों को पर्टिकुलर ट्रेस किया गया है, मतलब जो गाड़ियों के नंबर वगैरह हैं। तो उससे बारे में ये जानकारी मिली है कि ये मेघदूत गार्डन के आसपास बैठते थे और वहाँ पर जो लड़का लड़की कपल्स होते थे उनको डरा कर उनसे भी पैसे वसूलते थे।